गुड आफ्टरनून मैम। 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 गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। टर्न ऑन द कैमरा एवरीवन। जस्ट टर्न ऑन द कैमरा एंड टेल मी कोई प्रॉब्लम है मैम? आप ब्लर दिख रहे हैं। ब्लर दिख रहे हैं मैम आप। ठीक है कोई बात नहीं, देख रहे हैं तो क्या हो गया, देख रहे हैं दैट इज मोर देन सफिशिएंट। फिर बोर्ड नहीं दिखेगा ना मैम? बोर्ड थोड़ी दिख, देखना है बोर्ड क्लियर दिखेगा, मैं नहीं दिख रही तो। लगता है आपका तबीयत खराब है मैम? नहीं बिल्कुल खराब नहीं है, अगर तुम चाहते हो ऐसा तो ठीक है। नहीं 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 हम लोग, आप आपका तबीयत कैसे खराब कर दें हम लोग बताइए। कुछ लोग चाहते हैं कि टीचर का तबीयत खराब हो जाता है कि वो क्लास ना करना पड़े। नहीं नहीं हम लोग दुआ करते हैं हमारी मैम का कभी तबीयत खराब ना हो। मैम जब जानते हैं तो एक दो दिन ऐसे ही ऑफ कर दिया कीजिए। देख रहे मैम फिर की ले रहा। अच्छा अच्छा हमको समझ में आ रहा है, मुझे पता था कि कुछ लोग ऐसा चाहते हैं कि टीचर्स का तबीयत खराब हो ताकि मेरा क्लास ना। नहीं मैम ऐसा कोई बात। मैम ऋतिक ज्यादा ही पी के देख रहा है मैम, फिरकी कर रहा। अच्छा अबे हम गुजरात के हैं भाई, तो मेरा अगर लैंग्वेज ही वो है। तो कैमरा ऑन करो, कैमरा ऑन करो तुम भी संजना। यस मैम हो गया ऑन। मैम मेरा डेटा खत्म हो गया है। झूठ है। जाहिद, जैद, युवराज, मयंक, एवरीवन जस्ट टर्न ऑन योर कैमरा और मुझे ये बताइए जल्दी से, rank correlation, correlation, change of origin and scaling correlation, इन तीनों टॉपिक में किसी को कोई दिक्कत हो रही है? किसी को प्रॉब्लम है? परसों पढ़ाए थे रैंक पढ़ाए थे, चेंज ऑफ ओरिजन एंड स्केल पढ़ाए थे, मतलब आप क्लास नहीं किए थे तो डाउट है। अब तो क्लास नहीं करोगे तो फिर मुझे समझ में कहां से आ जाएगा? देखो ब्लैक जैकेट खाली थोड़ा सा एक्शन काम था वो चेक कर लो। अच्छा ठीक है और कुछ? ठीक है वो समझ में नहीं आया होगा, चलो पढ़े ही नहीं है तो फिर समझ में क्या आएगा। मैंने पूछा डाउट क्या है, पढ़े ही नहीं है वो डाउट नहीं होता। मैम ये कोरिलेशन जो है मैम इनका रियल लाइफ कुछ एप्लीकेशन है क्या? हाँ तो रियल लाइफ से ही तो हम कनेक्ट करके कोरिलेशन बताए थे। रिलेशन जो भी हम देखते हैं किसी अलग अलग वैल्यूज का, जैसे सिंपल सा एग्जांपल तो मैंने लिया था ना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अब बताओ इनकम और एक्सपेंडिचर में रिलेशन है या नहीं? है मैम। कैमरा ऑन करो, बोलो बताओ है या नहीं। डायरेक्ट रिलेशन दिखता है, जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ेगा क्या करेंगे, खर्च कम करेंगे या ज्यादा ही करेंगे? बताओ रेवती झा। मैम रैंक का पूछ रहा हूँ मैम, रैंक का। ठीक है रैंक का हम बताते हैं, वो भी बताते हैं। कोरिलेशन का समझ में आता है, पहले आपने कोरिलेशन वर्ड बोला था इसलिए मैं बता रही हूँ। सो कोरिलेशन यही होता है, वैल्यूज आप देख रहे हैं जो टर्म रिलेट कर पाए किसी एक चीज पे, दूसरा टर्म डिपेंडेंट होता है। ऐसे भी आपको लाइफ में बहुत सारा टर्म दिख जाएगा जो बहुत कुछ इंडिपेंडेंट हो सकता है, बट बहुत सारी चीजें ऐसे होती हैं जो किसी ना किसी पर्टिकुलर टर्म पे डिपेंड करती है। ठीक है आपके वर्किंग, आपका एक्सपीरियंस, आप जो बोल रहे हैं, जिस तरह से बोल रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उन सब पे कहीं ना कहीं आपका इम्पैक्ट होता है, जो आपकी पर्सनालिटी का है या फिर जिस एनवायरमेंट में आप रहे हैं या फिर जो कुछ भी टर्म्स है, वो सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से कोरिलेटेड होता है। अब वही चीज है कितना ज्यादा कोरिलेटेड है। अब मान लो कुछ लोग ऐसे हैं जो सपोज क्रिमिनल एक्टिविटी में ज्यादा देख रहे हैं बचपन से, सपोज हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो अब क्या होगा उसके दिमाग में ज्यादा टर्म क्या आएगा, कहीं ना कहीं उसी तरह से सोचना शुरू कर देगा वो। सो इम्पैक्ट उसका जो भी थॉट प्रोसेस होगा उस पर कहीं ना कहीं क्रिमिनल एक्टिविटीज का कोई ना कोई इम्पैक्ट तो होगा ना, बताओ होगा या नहीं होगा? हाँ जी मैम। आप बहुत अच्छे एनवायरमेंट में रहे हैं, जहाँ रहे हैं वहाँ बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वे में लोग रह रहे हैं, बहुत सिंपल शांत, किसी आश्रम वाले सिचुएशन में चले जाओ
तो जहाँ बहुत ज्यादा क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं हो रहा है, बहुत लोग शांत हैं, अच्छे हैं, अब उसमें आप रहेंगे तो क्या होगा, आप वही चीज सीखेंगे. सो द एनवायरमेंट इज रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनालिटी. आपने जो भी टर्म्स बोले, आपके जो बिहेवियर में जो चेंजेस आएगा या जो भी है, वो चीज क्या होता है, कहीं ना कहीं रिलेटेड होता है. और बहुत सारा लाइफ का ऐसा आस्पेक्ट मिलेगा आपको जो किसी न किसी अलग वेरिएबल से, डिफरेंट वेरिएबल से रिलेटेड होता है. अब यही रिलेशन हमें देखना होता है. अब रिलेशन कैसा है, क्या है, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी पर्सन को अफेक्ट कर रहा है, ये तो हम देख रहे हैं. जैसे अभी जस्ट सिंपल एग्जांपल है कि इंसान को कभी रख लो और किसी आश्रम में रख दो और किसी को एक जेल में डाल दो, क्या होगा, सिर्फ बच्चे की हम बात कर रहे हैं. अब उसका जो नेचर होगा वो कहीं ना कहीं उस एनवायरमेंट पे डिपेंडेंट है. अब वो एनवायरमेंट पे डिपेंडेंट है, ये श्योर है, मुझे पता है ऐसा हो सकता है और ऐसा होगा, हम ये मान सकते हैं. लेकिन वो एनवायरमेंट आपको कितना अफेक्ट किया है ये एग्जैक्टली नहीं बताया जा सकता है. कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो लोग जेल में भी रहे हो, सपोज वैसे एनवायरमेंट में रहे हो, सपोज वहां पे कुछ खाना बना रहे का, कुछ काम ही कर रहा है और पता है उसको उस क्रिमिनल से डील करना है, तो हो सकता है उसका एक्टिविटी का कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आएगा. लेकिन हमेशा पूरा का पूरा इम्पैक्ट आएगा ये नहीं बोला जा सकता, वो क्रिमिनल ही बन जाएगा ये नहीं बोला जा सकता है. सो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि वो एक्टिविटीज अफेक्ट कर रहा है उस पर्सन को, बट वो कितना अफेक्ट कर रहा है ये हम जब मेजर करने लगते हैं इन टर्म्स ऑफ डेटा, तो वो कोरिलेशन ना होकर कोरिलेशन कोएफिशिएंट बन जाता है. जैसे मैंने कहा जो एग्जांपल दिया, आप तो दोस्त हैं, सपोज रोल नंबर 33 और रोल नंबर 16 फ्रेंड है. सपोज अब वो फ्रेंड कोई कहेगा कैसा फ्रेंड है, बहुत अच्छा फ्रेंड है, कोई कहेगा बहुत ही ज्यादा अच्छा फ्रेंड है, कृष्ण और सुदामा वाला दोस्ती है, कोई बोलेगा बहुत दुश्मन है. अब ये सब क्या होगा, सबका अपना अपना ओपिनियन होगा, लेकिन कितना फ्रेंडशिप है ये मेजर करना एग्जैक्ट अलग अलग लोग अलग अलग बताएंगे, इसको हम मेजर नहीं कर सकते. लेकिन अगर इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटीज हम देख रहे हैं, कुछ एक्टिविटीज उनका ऑब्जर्व कर रहे हैं, 10 बार इन लोगों ने एक दूसरे का साथ दिया, वो बदमाशी कर रहा है, वो भी कर रहा है, सो ये सब चीजें ऑब्जर्व कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ डेटा. ये सब करने का मतलब क्या हुआ, वी आर कलेक्टिंग डेटा, वी आर कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन. सो जब हम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके उसको मेजर कर रहे हैं, तब पता चलता है कितना कोरिलेशन है. और वो कोरिलेशन जो कितना वर्ड आ जाता है ना, हाउ मच, सो ये कोरिलेशन जो है वो मैथमेटिकली मेजर कर रहे हैं. कोरिलेशन कोएफिशिएंट वर्ड इस्तेमाल करने लगते हैं यहाँ पे. देयर इज अ रिलेशन एंड दैट रिलेशन इज कैन कंसिडर्ड एज कोरिलेशन वर्ड, क्योंकि आप उससे फ्रेंड है तो वो भी आपका फ्रेंड है. म्यूचुअल कंसेंट से यहाँ पे रिलेशन चलता है, किसी एक से डिपेंडेंट वाला टर्म नहीं होगा. तो यही चीज है, कोरिलेशन वर्ड जो है ये सोशल टर्म से दिया गया था, मैंने पहले भी कहा था. और ये चीज जो यहाँ पे मेजर किया जाता है, टू विच एक्सटेंट दे आर कोरिलेटेड, हाउ मच कोरिलेटेड, ठीक है. सो हाउ मच जो वर्ड आता है, कितना कोरिलेशन है ये जब मेजर किया जाता है, तो उसको कोरिलेशन कोएफिशिएंट वर्ड हम इस्तेमाल कर देते हैं, जो मैंने पहले भी कहा था ना, क्योंकि आप मैथमेटिकली उसको मेजर कर रहे हैं और एक सोशल डेफिनेशन दे रहे हैं. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दीज टर्म्स. आप एक डेफिनेशन बोल रहे हैं, दोस्ती है, दोस्ती का मतलब जिसको पता है उसको पता है दोस्ती है. अब जिसको डेटा के टर्म में समझ में आता है तो उसको कोरिलेशन समझ में आएगा. फ्रेंडशिप का मतलब क्या होगा, पॉजिटिव कोरिलेशन. अगर उसको मैथमेटिकल टर्म समझ में आता है तो देयर इज अ कोरिलेशन, मतलब पॉजिटिव कोरिलेशन आ गया. और अगर मान लो दुश्मनी है तो हम क्या बदल देंगे यहाँ पे, नेगेटिव कोरिलेशन है ना. दोनों में क्या है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है, दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट रहता है खराब, तो क्या हो गया, देयर इज अ काइंड ऑफ एमिटी बिहेवियर बोल सकते हैं. सो अब यहाँ पे वाला जो केस होगा वो नेगेटिव कोरिलेशन है इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स, बट सोशली हम उसको एमनी है ये बोल सकते हैं, सोशली इसको हम फ्रेंड है ये बोल सकते हैं, है ना, ठीक है. सो कोरिलेशन जो आप मैथमेटिकल मेजर करते हैं, दैट इज मैथमेटिकल टर्म इज कोरिलेशन कोएफिशिएंट, टू विच एक्सटेंट द वेरिएबल्स आर कोरिलेटेड. अब इनकम पे एक्सपेंडिचर डिपेंड करता है, लेकिन कितना डिपेंड करता है. कभी कभी ऐसे भी केसेस होते हैं कि आपके इनकम से कहीं ज्यादा एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे मेडिकल इमरजेंसी के केस में. अब मेडिकल इमरजेंसी के केस में होगा खर्च क्या होगा, किसी का भी खर्च बहुत ज्यादा होगा. जैसे आप कोविड वाले केस में ही ले लो, बहुत सारे घर में ऐसा हुआ होगा कि इतना ट्रीटमेंट कराते कराते थक गए होंगे और कितना ज्यादा फाइनेंशियल लॉस हुआ होगा, ठीक है. एक
ये चीज हुआ ना, तो यहाँ पे क्या खर्च ज्यादा हो रहा है, जितना खर्च हो रहा है उससे कम ही इनकम होगा, हो सकता है या नहीं? सो यहाँ पे इनकम और एक्सपेंडिचर डायरेक्टली कोरिलेटेड तो नहीं दिख रहा है, लेकिन ये चीज ये कंडीशनल है, कभी कभी ये चीज डिपेंड करता है और कभी कभी नहीं भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पे नेगेटिव कोरिलेशन तो हमारा लगता है, बट इनकम कहीं ना कहीं उस पर डिपेंड करता है। तो यही चीज हमें देखना है, कुछ अलग अलग वैल्यूज है वो आपस में किस तरह डिपेंडेंट है और उसको आप मैथमेटिकली कैसे मेजर करोगे। अब किसी भी कंपनी का जो रेवेन्यू है उसके इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करेगा या नहीं, बताओ? करेगा या नहीं करेगा, बताओ? आया ना? यस मैम। मैम सोली खाली इन्वेस्टमेंट में थोड़ी ना डिपेंड होगा, बाकी वर्किंग कैसे कर रहे हैं हम लोग वो भी डिपेंड करता है। हां वो भी डिपेंड, तो फिर यही बात है ना, दिस इज नॉट डिपेंडेंट विद ओनली वन वेरिएबल, और भी वेरिएबल्स है जिस पर डिपेंड करेगा, तो आप ये बाद में बताएंगे, बट इससे पे भी डिपेंड करता है ये बता सकते हैं। दैट इज दिस इज डिपेंडेंट ऑन दिस टर्म, दिस इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन अदर अदर वेरिएबल्स, ये भी बोला जा सकता है, और भी वेरिएबल्स ऐसे हैं। और कैसे भी कभी भी एक चीज ऐसा नहीं होता कि टोटली किसी एक पर्टिकुलर टर्म पे डिपेंड करता है। आपका सोशल, आपकी पर्सनालिटी जो है वो कितने सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, आप कभी, आपने कभी कैलकुलेट करने की कोशिश की है? सोचो आपके फैमिली में जो इन्वॉल्वमेंट होगा वो, आप किस सोसाइटी में रहे हैं वो, जिस स्कूल में पढ़े हैं वो, आपके फ्रेंड्स कैसे हैं उस पर डिपेंड करता है, आप किस तरह से सोचते हैं उस पर डिपेंड करता है, बहुत सारी बातें हैं। आपके टीचर्स कैसे हैं उस पर डिपेंड करता है, बहुत सारा फैक्टर्स है। अब सारे फैक्टर्स को आप कैलकुलेट कर लो और सारे फैक्टर्स इक्वली इम्पॉर्टेंट हो ये भी जरूरी नहीं है। किस जियोग्राफिकल एरिया में आप रहते हैं इस पर भी डिपेंड करता है, कैसा एनवायरनमेंट है, मैं नेचुरल एनवायरनमेंट की भी बात कर रही हूँ, सोशल एनवायरनमेंट की भी बात कर रही हूँ, सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। बट वो सारे फैक्टर्स क्या इक्वली इम्पॉर्टेंट है? सारे फैक्टर्स इक्वली इम्पॉर्टेंट नहीं होते। अब कौन सा है जो ज्यादा अफेक्ट कर रहा है ये भी पूछा जा सकता है यहाँ पे। सो विच वेरिएबल इज अफेक्टिंग मच मोर, ये भी काउंट कर सकते हैं आप, ये भी देख सकते हैं किससे ज्यादा हाईली कोरिलेटेड है, किससे कम कोरिलेटेड है, ठीक है? सो ये सारी चीजें मिलकर आपको अल्टीमेटली एक जो भी इंसान आप हैं, जैसे भी हैं, वो वैसा इंसान बनाती है ये सारा फैक्टर। लेकिन सारे फैक्टर्स का, सारे टर्म्स का आपके पर्सनालिटी पे, आपके दिमाग पे, सोचने समझने के तरीके पे, सब कुछ क्या उतना डिपेंड करता है? मुझे तो नहीं लगता सब कुछ डिपेंड करता है। सारे लोगों से आप 50 लोगों से 1000 लोगों से मिल होंगे, क्या सब सबका नाम भी याद नहीं हो? ऐसा भी हो सकता है सबसे मिले हो उसकी पर्सनालिटी का इम्पैक्ट आप पे आया हो, ऐसा भी नहीं हो सकता। लेकिन कुछ लोगों का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस आप पे हो, ये भी हो सकता है, ठीक है? सो ये वो चीजें हैं, मैं यहाँ उन चीजों की बात कर रही हूँ जो ज्यादा अफेक्ट करता है, जो ज्यादा अफेक्ट करता है उससे ज्यादा हाईली कोरिलेटेड है आपका पर्सनालिटी, जो कम अफेक्ट करता है उससे लो कोरिलेशन है उस पर्टिकुलर वेरिएबल से, ये समझा जा सकता है ना? बताओ, समझ रहे हो सोशल लाइफ से कैसे कलेक्ट आपका डिपेंडेंट है कोरिलेशन? ये सारे टर्म्स यूज्ड बेस्ड टूल्स हैं, ठीक है? अब इसी चीज को कंपनी का जो टर्म्स आप देखेंगे, जो डेटा देखेंगे, मार्केट का कंडीशन देखेंगे, सपोज मार्केट का परचेजिंग पावर अगर लोगों का कम हो जाता है, तो अगर प्रॉफिट किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट बहुत अच्छा ही हो तो क्या ज्यादा प्रॉफिट ले पाएगी? क्योंकि परचेजिंग पावर ही कम हो गया है पर्सन का, बहुत परचेज करने का कैपेसिटी ही नहीं है। सपोज अभी जो कोविड की वजह एम आई ऑडिबल नाउ, एम आई ऑडिबल? यस मैम। ओके, अब देखो जैसे कोविड की वजह से बहुत लोगों का इनकम कम हो गया है, कुछ हुआ था ऐसा केस आया था, बहुत लोगों के पास बहुत ज्यादा ही इसका स्थिति आ गई, तो उस केस में क्या हुआ, परचेजिंग पावर, जिनका इनकम अच्छा भी रहा हो उनका भी कहीं ना कहीं परचेजिंग पावर कम हो गया था, क्योंकि बहुत सारे एक्सपेंसेस बढ़ गए थे, बहुत सारा चीजें जो चेंज हो गया था, लाइफ स्टाइल चेंज हो गया, तो उसकी वजह से क्या हुआ, परचेजिंग पावर कम हो गया लोगों का। अब लोगों का परचेजिंग पावर कम हो गया मतलब लोगों के पास पैसे कम हो गए। अब पैसे कम हो गए इस केस में कुछ जो चीजें होंगी जिसका ज्यादा प्रॉफिट, जो चीज फंडामेंटल इंपॉर्टेंस की चीजें हैं,
वो लोग ज्यादा खरीद रहे होंगे, है या नहीं बताओ। अब कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम लोग लाइफ स्टाइल को इनहांस करने के लिए खरीदते हैं, तो उस केस में उस तरह की जो कंपनीज होगी क्या उसका सेल कम होगा या नहीं बताओ। म्यूट करके बोलोगे तो पूछना ही कैसे रहेगा मुझे, बताओ कम होगा या नहीं। कम होगा मैम, ऑब्वियसली बात है, जो फंडामेंटल इम्पोर्टेंस की चीजें हैं, अब खाना है वो तो कोई कम नहीं करेगा, तो खाने पीने वाली जो कंपनी लोगों जिस तरह का ऐसा कुछ जरूरत होगा तो उसका तो सेल होगा, बट जो लाइफ स्टाइल इम्प्रूव करने वाला केस है, अब किसी को यहाँ खाने को नहीं मिल रहा है, कोई नया जेट प्लेन तो नहीं खरीदेगा, है कि नहीं। तो ये चीजें होती हैं, और कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके पास कोई स्थिति नहीं आया, कोई प्रॉब्लम नहीं आया, तो वो खरीद सकते हैं, चलो अपना प्राइवेट जेट खरीदने वाले। बट यहाँ पे क्या होगा, ऐसे लोग जो भी होंगे वो कम होंगे एज कम्पेयर टू जो भी पहले हुआ करते थे, ठीक है। तो ये चीज क्या हुआ, परचेजिंग पावर पे कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट आया, वो कम हुआ तो सेल जो होगा वो उस तरह के जो लाइफ एनहांसिंग जो भी टर्म्स में लो, जो भी वैसा टूल्स होगा या फिर जो भी वैसे उस तरह की चीज है उसका सेल कम होगा, तो उस तरह की जो कंपनी है उसका प्रॉफिट कम होगा। तो ये चीज समझ में आ सकता है, तो ये आपस में कोरिलेटेड है। इसी तरह की चीजों को समझने के लिए विद द हेल्प ऑफ डेटा हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट पढ़ते हैं। अब बात आया रैंक क्या है, तो रैंकिंग जो होता है, रैंकिंग में हम मैंने पहले भी ये चीज बताया था, जब आप कोरिलेशन कैलकुलेट करते हैं तो रैंक में कन्वर्ट करते हैं उसी एग्जिस्टिंग डेटा को, कन्वर्ट करते हैं रैंक में। कॉल नंबर 16 ये आपने नोट किया था, बोलो आपका ही क्वेश्चन था, रैंक में क्या करते हैं बताओ, ये क्लास की थे रेवती मैम, नहीं किए थे कन्वर्ट वाला क्लास। अच्छा ठीक है, सुनो वहां पे क्या होता है, जब कोरिलेशन जो है उसमें हम लोग जो एग्जिस्टिंग डेटा जो पहले एक्स वाई का कैलकुलेशन कोरिलेशन करते थे उसी को कन्वर्ट कर देते हैं रैंक में। अब पता है जैसे मार्किंग में ही आया एग्जाम में, आपने दो चार दस पेपर का एग्जाम दिया था, सपोज किसी दो पेपर का कोरिलेशन निकालना है, क्या क्या पेपर दिए हो, एक दिए हो बिजनेस मैथमेटिक्स, और कोई पेपर का नाम बताओ, एक चलो इन दोनों में कोरिलेशन आ सकता है, दोनों में मार्क्स का कोरिलेशन निकालना हो, ऐसा भी हो सकता है किसी का दोनों ही पेपर में अच्छा मार्क्स आया हो, किसी का एक में अच्छा आया हो किसी के दूसरे में अच्छा आया हो। अब किसी टीचर को मन है सपोज टेस्ट करने का कि ऐसे कुछ स्टूडेंट होंगे क्या कि दोनों में अच्छा मार्क्स लाया हो, दोनों में जो मार्क्स आया है उसमें कोरिलेशन है या नहीं, जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे हो सकता है वो दोनों ही पेपर अच्छे से पढ़े हो, कुछ ऐसा हो सकता है किसी कोई पर्टिकुलर पर्सन को ज्यादा इंटरेस्ट हो दूसरे में पेपर में कम इंटरेस्ट हो सकता है। सो इन सारे फैक्टर्स पे आपका क्या इफेक्ट पड़ा है, दोनों पेपर जो है वो आपस में कोरिलेटेड है या नहीं। अब सपोज किसी को हो सकता है जैसे कुछ ऐसा सब्जेक्ट लो, किसी को सोशियोलॉजी और हिस्ट्री दोनों में इंटरेस्ट हो सकता है, किसी को मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स दोनों में इंटरेस्ट हो सकता है, किसी को मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट हो स्टैटिस्टिक्स में नहीं हो, किसी को स्टैटिस्टिक्स में हो मैथ्स में नहीं। लेकिन ऐसा हो सकता है कुछ ऐसे पेपर्स हो सकते हैं जो आपस में डिपेंडेंट हो सकता है, जिसको मैथ्स और स्टैट्स में दोनों में इंटरेस्ट हो। तो इस तरह से दोनों सब्जेक्ट आपस में रिलेटेड है या नहीं, इस तरह से हम दोनों का रैंकिंग मार्क जो आया है सेम आया है नहीं या नहीं, ये कंपेयर जब हमें करना हो तो हम क्या कर रहे हैं, जो सेम डेटा हमारे पास था उसी डेटा को एक स्पीड मैनेजमेंट ने कन्वर्ट कर दिया था, उसी डेटा को जो हम लोग पहले कर रहे थे कोरिलेशन वो प्रोफेसर आर ए फिशर ने दिया था, जिसको मैंने बताया था प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन है, प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट, उसी डेटा को उस मेथड को स्पीयर मैन ने क्या किया था, रैंकिंग में कन्वर्ट कर दिया था। मतलब आपके पास जिस आपके क्लास में जिसका हाईएस्ट मार्क्स आया उसका क्या हो जाएगा, रैंक वन हो जाएगा, सेकंड हाईएस्ट जिसका मार्क्स आया उसका रैंक टू हो जाएगा, थर्ड हाईएस्ट जिसका आया है वो थर्ड रैंक, इस तरह से रैंकिंग में कन्वर्ट कर दिया, जिसका लोएस्ट मार्क्स आया उसका रैंकिंग कर दिया लास्ट रैंक हो जाएगा। अब रैंक में जब आपस में आप कोरिलेशन निकालते हैं तब उसी कोरिलेशन को हम रैंक कोरिलेशन बोल रहे हैं, और रैंक कोरिलेशन निकालने से हो जाता है कि हमारा कैलकुलेशन जो होता है वो थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है। तो मैम एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं तो रैंक निकाल के ही आते कि रैंक निकालना पड़ता है, कभी कभी रैंक निकालने के लिए निकाल कर दिया जाता है, रैंक के फॉर्म में दिया जाता है, कभी कभी आपको रैंकिंग खुद करनी पड़ेगी, जैसे जो डेटा था
आपके पास मैंने लास्ट क्लास में रैंक निकाल कर बताया था ना, आप एक्स का वैल्यू रख रहे हो, जैसे सपोज 5, 15, 20 इस तरह से रैंक है। अब हाईएस्ट रैंक किसका है? 1 का, इसको 1 रैंक दे दो, इसको 2 रैंक दे दो, इसको 3 रैंक दे दो, कर सकते हो आराम से। इसी तरह वाई डेटा दिया होगा, उसका रैंकिंग कर लो, उस रैंक का आपस में कोरिलेशन निकाल लो, जिसका फॉर्मूला थोड़ा डिफरेंट होता है। फॉर्मूला सेम नहीं होता, फॉर्मूला होता है 1 - 6 टाइम्स रैंक निकालना पड़ता है एक्स और वाई का, और उसके बाद एक टर्म आता है समीशन डी आई स्क्वायर। जब समीशन डी आई स्क्वायर करते हैं डिवाइडेड बाई एन इंटू एन स्क्वायर माइनस वन, ये फॉर्मूला होता है रैंक कोरिलेशन का। और यहाँ पे एन वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है क्या है, 1 फिक्स नंबर है, 6 इज अ फिक्स कांस्टेंट। तो समझना यहाँ पे क्या है, सिर्फ डी को, डी आई स्क्वायर क्या है, तो डी जो होता है, अगर आपके पास एक एक्स एक सेट ऑफ वैल्यूज एक्स है, दूसरा सेट ऑफ वैल्यूज वाई है, तो आपने यहाँ पे रैंक ऑफ एक्स निकाला है ना, ये रैंक ऑफ एक्स, अभी जस्ट कैलकुलेट हम लोग किए, तो दिस इज रैंक ऑफ एक्स। तो आप इसको लिख सकते हो, पूरा रैंक एक्स लिख सकते हो, रैंक ऑफ एक्स। इसी तरह यहाँ पे वाई का ऑब्जर्वेशन है, मान लो 2, 8, 6 इस तरह से दिया हुआ है। अब इसका रैंक क्या हो गया, दिस इज रैंक 1, रैंक ऑफ वाई यहाँ पे हम लिख रहे हैं, तो दिस इज रैंक 1, दिस इज रैंक 2 एंड दिस इज रैंक 3। अब जो डी होता है वो क्या होता है, यहाँ पे जो फॉर्मूला में डी है, दैट इज व्हाट, द डिफरेंस ऑफ रैंक, इन दोनों रैंक का डिफरेंस क्या है, 0 है, इन दोनों के रैंक का डिफरेंस क्या है, 1 है, इन दोनों के रैंक का डिफरेंस क्या है, 1 है, ठीक है। इस मैम सीक्वेंस में ही डिफरेंस निकालेंगे ना, सीक्वेंस में डिफरेंस नहीं निकालोगे, इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे, इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे, मतलब सॉरी यहाँ पे जो ये रैंक का इस रैंक से डिफरेंस निकालोगे, एक्स एक्स का इसी ऑर्डर में रहेगा, इसके इसी ऑर्डर का डिफरेंस रैंक में निकालोगे, उस तरह से निकालोगे तो सारे रैंक्स तो 0 हो जाएंगे। इसी सीक्वेंस में निकाले 2 and 5, 2 का रैंक क्या हो गया था, 3, x का रैंक 5 का रैंक क्या है, 3 है, तो दोनों का इस रैंक का डिफरेंस निकाल रहे हो। तो यहाँ पे कोई क्या कंफ्यूजन हो रहा है बोलो, फिर आगे बताएंगे। मैम डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में करके रैंक लिख सकते हैं क्या? असेंडिंग ऑर्डर में नहीं लिखेंगे, जहां जिस प्लेस पे है उसका जो रैंक है वो लिखेंगे, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे तो हर रैंक तो वैसे ही हो गया, टॉप 10 वाला रैंक कर देना पड़ेगा फिर तो, है ना, बताओ। ये 15 का जो रैंक है वही मैंने यहाँ लिखा, इस 20 का जो रैंक है वही मैंने यहाँ लिखा, इस 5 का जो रैंक है वो मैंने ये लिखा। अगर तुम एक्सेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट का रैंक हमेशा 1 आएगा, इसका रैंक हमेशा 2 आएगा, इसका रैंक हमेशा 3 आएगा, एक्सेंडिंग ऑर्डर में अगर लिख देते हो तो ऐसे नहीं करना है, ठीक है। जो नंबर जहां लिखा हुआ है उसका रैंक वही लिखना है, 5 है तो इसका रैंक 3 आया था, 20 है इसका रैंक 1 आया था, 15 है इसका रैंक 2 आया था, तो हम लोगों को ऐसे ऑर्डर में लिखना है। सीक्वेंशियली अरेंज कर देंगे तो तुम्हें तो मैंने क्या कहा, वही 0 वाला केस हो जाएगा ना, बोलो समझ गए इस बात को? यस मैम। मैम लास्ट में ये डिफरेंस आएगा 1 - 2 - 1 आएगा फिर ना मैम? हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हमने स्क्वायर कर दिया, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चेक करो, जस्ट दिस वन इज द स्क्वायर, सो यहाँ पे आपके पास माइनस वन आएगा, अगेन आप यहाँ पे जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस वन इज 0, दिस वन इज 1, दिस वन इज 1, अगेन आपके पास टोटल सम ऑफ डी स्क्वायर है, दैट इज 2, सो यू विल रिप्लेस दिस टर्म एज 2, ठीक है। और n कितना हो गया, देयर आर 3 ऑब्जर्वेशंस, सो n इज 3, सो अब इसको हम सॉल्व भी कर लेते हैं, 1 - 6 इज एज इट इज, 6 कांस्टेंट है, समीशन डी स्क्वायर का वैल्यू 2 आया है, तो जस्ट पुट 2 ओवर हियर, डिवाइडेड बाय n टर्म कितना है, n, सो दैट इज 3
3 का स्क्वायर कितना होता है 9 एंड 9 माइनस 1 दैट इज 8. तो आप यहाँ पे 8 आई थिंक मैं इसको 3 से इसको मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा 3 2 जा 6 2 और ये 2 2 आपस में 4 हो जाता है तो 4 से कैंसिल करोगे तो अंतिम में यहाँ 2 आ जाएगा. सो व्हाट इज दिस 1 माइनस 1 बाई 2. सो 1 माइनस 1 बाई 2 घटाइएगा तो अंतिम में क्या आ जाएगा 0.5 इज द कोरिलेशन. कोरिलेशन ये थोड़ा नोटेशन ऐसे होगा, नोटेशन ये होता है रो. ठीक है बताओ इसमें अभी कोई डाउट है. डेटा आपको आपको कन्वर्ट करना है रैंक्स, देन टेक द डिफरेंस ऑफ रैंक, स्क्वायर देम, सम देम, देन पुट ऑल दिस टर्म इन दिस फॉर्मूला. ठीक है मैम. फर्स्टली जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था दैट कोरिलेशन इक्वल्स टू कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई बाय रूट अंडर द वेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई, तो मैम वो फॉर्मूला कार्ल पियर्सन ने दिया है कि फिशर ने दिया है? फिशर ने. बट मैम बुक में कार्ल पियर्सन एंड प्रोफेसर आर फिशर आर फादर एंड सन. मैम आपने इसका एक और नाम भी बताया था आई थिंक प्रोडक्ट समथिंग प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन. कार्ल पियर्सन के सन है प्रोफेसर आर एफ फिशर एंड कार्ल पियर्सन इज द फादर ऑफ एंसिन स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोफेसर आर एफ फिशर इज द फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स. लिख सकते हैं सारे पॉइंट्स को. कार्ल पियर्सन में दिया, सॉरी कार्ल पियर्सन मैंने आर एफ फिशर कहा था क्या? कार्ल पियर्सन. कार्ल पियर्सन ठीक है. और जो चेंज करके रैंक वाला दिया है वो स्पीयरमैन ने दिया. स्पीयरमैन कोरिलेशन कोएफिशिएंट बोलते हैं उसको या फिर रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट बोलते हैं. चलो ठीक है अब किसी को कोई डाउट है इसमें और कुछ? रैंक कोरिलेशन, प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन, कोरिलेशन और चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल मैंने ये भी बताया. तो ये सारे टॉपिक क्लियर हैं. अगर क्लियर है तो फिर हम आगे बताएंगे, नहीं तो फिर और कुछ डिस्कस करना है तो बताओ. मैम बोलिए. मैम क्वेश्चन सॉल्व करने पर आंसर नहीं आ रहा है क्योंकि जब एक्स वाई दिया रहता है डेटा तो वाई में दो अंक सेम होता है तो उसका फॉर्मूला दूसरा यूज करते हैं. हाँ हाँ उसमें अलग होता है, रिपीटेड रैंक उसको बोलते हैं. तो आप बता दीजिए उसका. नहीं नहीं वो नहीं बताया, वो अभी हम नहीं बताया. वो अभी मैंने कहा ना रिपीटेड रैंक शुरू करेंगे. रैंकिंग में ये प्रॉब्लम होती है, उसको पहले वाले फॉर्मूला से बनाओगे तो बना सकते हो, तब कोई दिक्कत नहीं होगा तुमको. ठीक है रुको बनाया है उसको उस फॉर्मूला से बना के देखो, कोई दिक्कत नहीं होगी. रैंकिंग में हाँ तो पहले वाले फॉर्मूला से जो बनाया है वो आंसर सही है, वही आएगा. कोरिलेशन जो आप रैंक में कन्वर्ट करते हैं तो रिपीटेड रैंक के लिए हमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ता है उसमें, क्योंकि वैल्यूज चेंज हो रहा है. हम ये मान के चलते हैं इफ देयर आर 10 पीपल इन अ क्लास देन दे ऑल हैव डिफरेंट रैंक्स. किसी को फर्स्ट रैंक आएगा किसी को लास्ट रैंक आएगा, और 10 लोग हैं तो लास्ट रैंक आएगा तो उसको 10th रैंक मिल जाएगा. ये हम जो जनरल ट्रेंड है ऑर्डिनल नंबर में, अगर मान लो किसी का रोल नंबर 2 हो सकता है, एक ही रोल नंबर 1 पे 2 किसी का नाम होगा नहीं होता है. ऑर्डिनल फॉर्म में ये नहीं होता है, बट कभी कभी आपका जो मार्किंग जो एग्जाम स्कीम हमारे पास है जो इस तरह से एग्जाम लेते हैं और जो मार्क्स आता है रैंकिंग उसके बेसिस पे दिया जाता है. तो ऐसा तो हो सकता है कुछ लोगों को 2 नंबर मिल जाए, मिल सकता है 35 मार्क्स 2 लोगों का आ जाए, हो सकता है 50 मार्क्स 2 लोगों का आ जाए, तो ये हो सकता है. तो यहाँ पे सेम रैंकिंग दोनों को देना पड़ेगा. ये जो आपको सेम रैंक देना पड़ेगा यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है रैंक वाले में करने, तो इसके लिए मॉडिफिकेशन किया जाता है रिपीटेड रैंक. ये हम अभी करेंगे, इसको छोड़ दो. इसके सिवा और कुछ प्रॉब्लम है यहाँ तक वो बताओ. नो मैम. और किसी को कुछ भी पूछना है तो बताओ, आगे बढ़ने से पहले सारा डाउट खत्म हो जाए, सारा कोई कंफ्यूजन ना रहे, देन आगे करेंगे तो वो चीज ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा. अगर डाउट रखते हो फिर आगे पढ़ोगे तो फिर बहुत सारी चीजें होगी जो नहीं समझ में आएगा, आगे दिक्कत करने वाली है. तो मुझे ये चीज बता दीजिए पहले. मैम हाँ बोलिए.
हम डिस्कस कर लेते हैं जो आप उस दिन बोलो जो आप डेटा वो अगले पिछले क्लास में जो दी थी उसका आंसर कितना रहा है? उसका आंसर कौन सा डेटा था मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बताओ कुछ तो था। एक्स का था डेटा 7412536 9 8 और वाई का 5273618 10 9। ये तो लास्ट क्लास में हमने लगता बताया था, लास्ट क्लास में मैंने रैंक कोरिलेशन बताया था। अच्छा वो रैंक हाँ हाँ पॉइंट कुछ 7 6 आया था क्या? 0.44 तो यहाँ पे बोला जा सकता है, मैंने ये चीज कहा था आप लोगों को लास्ट क्लास में ये बताने के लिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है वेदर द टू जजेस हैव कॉमन एग्रीमेंट सेम इंटरेस्ट, इस तरह का सवाल पूछेगा। तो यहाँ पे बहुत अच्छा कोरिलेशन तो नहीं दिख रहा है, दिख रहा है 0.44 बहुत अच्छा कोरिलेशन नहीं है ना, 50% से भी कम है, 0.5 से भी बहुत कम है। तो 0.5 से भी कम है तो बहुत अच्छा कोरिलेशन नहीं है, फिर हम यहाँ बोल सकते हैं देयर इज अ डिफरेंट इन टेस्ट या फिर इंटरेस्ट बिटवीन द टू जजेस। ठीक है, दोनों को का सपोज किसी दो टीचर का, मान लो हम किसी एक की बात कर रहे हैं, सपोज जैसे आप ये चीज देखते होंगे म्यूजिक जो क्या होता है बहुत सारा क्या डांस इंडिया डांस इस तरह का क्या कॉम्पिटिशन होते हैं ना, देखते हो कुछ इस तरह का, उसमें क्या होता है अलग अलग जजेस होते हैं, एक ही कंटेस्टेंट को अलग अलग जजेस अलग अलग मार्क्स देते हैं, कुछ ऐसे भी हो जाते हैं जो सेम मार्क्स देते हैं। तो ऐसा होगा कि कोई एक जज आपको 7th रैंक दे रहा है, कोई एक जज 3rd रैंक दे रहा है, तो एक को आप बहुत अच्छा लगा आपका डांस या फिर जो भी सिंगिंग जो भी है उसमें उसको अच्छा रैंक दे रहा है और कोई उसको बहुत अच्छा रैंक नहीं दे रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं दोनों दो जजेस जो है उन दोनों को अलग अलग टाइप का अलग अलग इंटरेस्ट है, सेम टाइप का इंटरेस्ट नहीं है, दोनों का लाइकिंग और डिसलाइकिंग जो है वो सेम नहीं है, डिफरेंस है उसमें। तो यही चीज यहाँ पे बोला जाएगा कि दो एक ही कंटेस्टेंट को जब दो लोगों ने दो अलग अलग जजमेंट दिया है, अलग अलग रैंक दिया है और बहुत ज्यादा डिफरेंस दिया है रैंक में, एक को 1st रैंक आया किसी को 9th रैंक दे दिया किसी और ने जज ने, तो क्या होगा, देयर इज अ डिफरेंस इन रैंकिंग, रैंकिंग डिफरेंट हो सकता है, ये होगा ही, ऐसा नहीं होगा कि मेरा और लाइक मैंने जो रैंक दिया है वही सेम रैंक आपको दूसरे जजेस भी दे सारे लोग दे, ऐसा नहीं होता, डिफरेंस होगा, बट वो डिफरेंस कितना है, बहुत ज्यादा है या सिंपल है, थोड़ा है या फिर बहुत ज्यादा है या फिर एवरेज डिफरेंस है, यही चीज चेक करके बताना होगा। तो यही पे यहाँ पे जब एक को जब 3rd रैंक दे रहा है एक को 7th रैंक दे रहा है तो हम बोल सकते हैं द टू जजेस हैव डिफरेंट टेस्ट डिफरेंट लाइकिंग और डिसलाइकिंग अबाउट म्यूजिक डांस और जो भी है, यही चीज था। एक ही कॉम्पिटिशन में आपको जैसे जैसे इंटरव्यू वगैरह में ये चीज होता है, डांस सिंगिंग का ये बताया मैंने एग्जांपल जो आप डांस इंडिया डांस और ये सब देते हैं, या फिर जो इंटरव्यूज में कभी कभी आप इंटरव्यूअर्स ऐसा होता है ना कि एक से ज्यादा लोग आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, तो कोई एक इंटरव्यूअर है उसको आपका किसी कोई आंसर बहुत अच्छा लगा तो हो सकता है उसने आपको बहुत ज्यादा मार्क्स दे दिया, दूसरे इंटरव्यूअर को वही आंसर बहुत अच्छा नहीं लगा, वो कुछ और ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा, उन्होंने थोड़ा कम मार्क्स दिया है ना, तो दोनों ने अलग अलग रैंकिंग दिया अलग अलग मार्क्स दिया, ऐसा हो सकता है ना, बताओ। अब यहाँ पे पूछा जाएगा कि दोनों जो इंटरव्यूअर है उनमें आपस में इंटरेस्ट उनका कैसा है, तो अगर अच्छा कोरिलेशन है दोनों का रैंकिंग देने का तरीका सेम है तो देयर इज अ हाई कोरिलेशन बिटवीन दैट इंटरव्यूअर्स, और यही चीज अच्छा नहीं है, दोनों ने डिफरेंट रैंक्स दिया डिफरेंट वैल्यू दी तो उनका एग्रीमेंट अच्छा नहीं है, ये बोला जा सकता है। ठीक है, समझ रहे हो, तो ये इंटरव्यूअर्स पे डिपेंड करता है, इस तरह जैसे यहाँ पे रैंकिंग पे ही नंबर आ सकता है, मतलब यहाँ पे आप कोई जजमेंट का कोई क्राइटेरिया नहीं होता, जैसे डांस में मार्क्स दे रहे हो आप मार्क्स दे रहे हो या फिर रैंकिंग दे रहे हो, दो तरीका है,
तो यहाँ पे ज्यादा रैंकिंग लोगों को ज्यादा समझ में आएगा, मार्क्स कम समझ में आएगा। हाँ भले ही आप मार्क्स के बेसिस पे ही रैंक दे रहे हैं, लेकिन लोगों को समझ में क्या आएगा? रैंक, आपने हाईएस्ट मार्क्स लाए तो आप टॉप के ये वर्ड बोलो, ज्यादा लोगों को समझ में आएगा। अब ये बोलो कि 99% मार्क्स लाए, हो सकता है 99% से ज्यादा भी किसी को आया हो। तो यहाँ पे ये एक चीज वैग में रह जाता है व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट मार्क्स, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रैंक्स यहाँ पे ये ज्यादा क्लियर होता है। और कुछ ऐसी चीजें होती हैं जहाँ रैंकिंग ज्यादा बेटर ऑप्शन है। 5-10 लोग बैठे हुए आप यहाँ पे रैंकिंग करना है कि टॉप कौन है जो हाईली इंटेलिजेंट है, अब इसमें रैंकिंग के हिसाब से देखना पड़ेगा उनके एक्टिविटीज और ये बहुत सारे फैक्टर्स पे को चेक करके अल्टीमेटली आप उसको रैंक करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे रैंकिंग ज्यादा यूजफुल हो रहा है। बहुत सारा पोजिशन टाइम मिल जाएगा जजमेंट का एरिया जहाँ पे रैंकिंग ज्यादा इफेक्टिव होता है एज कम्पेयर टू नंबर्स। बट रैंक में ये प्रॉब्लम है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि दो लोग को दिए सेम प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, दोनों ने सेम ही तरीके से सेम ही वे में सॉल्व किया, तो आप दोनों को इक्वल रैंक देना पड़ेगा। कि एक को ज्यादा किसी एक को कम दे रहे हो तो आप बायस्ड रिजल्ट दे रहे हैं, किसी एक के लिए आप बायस्ड हैं। अब सपोज किसी ये सपोज दो लोगों का 55-55 मार्क्स आया हो सपोज अभी के एग्जाम में, ठीक है, अब एक को मैं सेकेंड रैंक दे दूँ एक को थर्ड रैंक दूँ तो क्या होगा? झगड़ा हो जाएगा कि नहीं होगा? तो आपने उसको सेकेंड क्यों दिया, मुझे थर्ड क्यों दिया? आप दोनों को ही सेकेंड रैंक बोल सकते हैं, है या नहीं? तो यहाँ पे रैंकिंग कन्वर्जन में ये एक प्रॉब्लम होती है। यही चीज मार्क्स में नहीं होता क्योंकि मार्क्स में ऑर्डर्ड अरेंजमेंट नहीं होता है। समझ रहे हैं दोनों का प्रॉब्लम क्या है और दोनों का बेनिफिट क्या है? चल है या नहीं है बताओ? सब रिसर्च करने लग गए, ऐसा सोच रहे हैं, पता नहीं क्या सोच रहे हैं। क्या नहीं समझ में आया? नो मैम नहीं समझ में आने के लिए समझ में आ गया वो तो है। हाँ प्रॉब्लम नहीं है, चलो तो ये पूरा स्टेटमेंट बोलोगे तब समझ में आएगा ना। दोनों का अपना पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन रैंकिंग में भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, नंबर्स में भी कुछ प्रॉब्लम हुआ। नंबर का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैंने कहा था कि अब कोरिलेशन, जैसे देखो इसी केस में आपने इसको एक्स वाई को इस तरह से जब रैंक में कन्वर्ट कर दिया तो कितना आराम से यहाँ पे सॉल्यूशन हो गया, कितने में ही सॉल्यूशन मिल गया। और यही चीज जब नंबर में मल्टीप्लाई करते थे तो ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ता था, तो ये उसका बेनिफिट है। मतलब आप रिडक्शन हो जा रहा है कैलकुलेशन का, रैंक कोरिलेशन में ये बेनिफिट है, लेकिन रैंक में जब रिपीटेड रैंक आ जाएगा तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी, तो उसके लिए नया तरीका ढूंढना पड़ता है। और यही चीज एक्स वाई वाले नंबर में ऐसे नहीं होता। चलो मुझे लगता है कि मैंने जितना कुछ बताना था इसके बारे में डिस्कस करना था कर लिया है। अब भी अगर किसी को कुछ दिक्कत है तो बताओ, नहीं तो फिर रिपीटेड रैंक शुरू करेंगे, नहीं तो डिस्कशन करना है तो और बताइए, आप लोग भी आपस में बताइए, फिर हम लोग होगा तो नेक्स्ट क्लास में रैंक रिपीटेड रैंक वाला डाउट सुनेंगे, क्योंकि फिर हो सकता है वो कम्प्लीट ना हो पाए। सो बताओ अब। हाँ अच्छा सॉरी एक मिनट, मुझे याद नहीं रहता और तुम लोग बताते भी नहीं हो, मैंने कोरिलेशन का एग्जांपल ढूंढने के लिए कहा था नेगेटिव कोरिलेशन का। व्हाट अबाउट दैट? किसी ने मुझे बताया नहीं अभी तक, एग्जांपल नहीं दिया नेगेटिव कोरिलेशन का। मैम सब भूल गया। हाँ सब भूल गया, सब नाम पता भी भूल जाओ। क्या हुआ राज? कैमरा ऑन करो तो फिर से सबका कैमरा भी बंद होने लग गया, तुम लोगों के साथ बड़ा अजीब टेंशन है भाई। कैमरा ऑन करो, एवरीवन जस्ट टर्न ऑन योर कैमरा। मनीष कुमार, संजना, मयंक आनंद, अंशिका कुमारी, स्वंकित। मैम मैं एक एग्जांपल बताऊं? हाँ बताइए। मैम ज्यादा काम कर रहे हैं कम समय पे। हाँ? बहुत ज्यादा काम कम समय पे कर रहे हैं। बहुत ज्यादा काम कम समय पे कर रहे हैं तो कोरिलेशन नेगेटिव किसमें हुआ? टाइम एंड वर्क का कोरिलेशन नेगेटिव हुआ? मुझे लगता है टाइम एंड वर्क का पॉजिटिव रिलेशन होगा मैम, टाइम एंड वर्क में। हाँ यू आर वर्किंग मोर एंड
प्लस टाइम अगर लेट के काम लेट तक काम करेंगे तब थोड़ा नेगेटिव हो सकता है। अच्छा सुनो ना उसका एग्जांपल सुनो ना तुम अपना अलग एग्जांपल दो अपना दो ना दूसरे टीम देख रहे नेगेटिव कोरिलेशन टाइम एंड स्पीड सोच के बता रहे मैं टाइम एंड स्पीड में पॉजिटिव कोरिलेशन है या नेगेटिव है मैम नेगेटिव है If the speed is increasing, time will decrease. क्या हो जाएगा? Distance of time travel जो होगा वो कम हो जाएगा. So there is a negative correlation. ठीक है? और negative correlation मैंने negative का ही बहुत सारे example ढूंढने के लिए कहा था. बहुत सारा कहा था. और जितने लोग हैं उतना example तो मुझे मिलना चाहिए था. मैम. हाँ बोलिए. Height and weight भी तो हो सकता है. Height and weight are I think positively correlated. जैसे जैसे height increase करेगी वैसे वैसे weight तो बढ़ेगा. मैम study और खाना. Study और खाना कैसे? Study और खाना कैसे negatively correlated है? ज़्यादा खाओगे तो कम पढ़ोगे. मैम कम भूख लगेगा. कम भूख लगेगा ऐसा नहीं होता. मैम डिस्टेंस और स्पीड भी तो हो सकता है नेगेटिव कोरिलेशन यस डिस्टेंस और स्पीड हो सकता है तो वही दो ना खाना और ये युवराज आधा बोल के कहाँ जाता है बताओ क्या होगा खाना और पढ़ाई कैसे नेगेटिव नहीं कैसे कोरिलेशन वो खा ही रहा है इसलिए वही तो एग्जांपल निकल रहा है उसके मुंह से खा ही रहा है मैम ज्यादा खाने से ज्यादा नींद आती है अच्छा ज्यादा खाने से ज्यादा कम पढ़ाई होती है आपको चाहिए क्या कहा जाए मेंटल वर्क करने का कैपेसिटी देने के आपको ये सब अलग अलग फैक्टर्स है कुछ डायरेक्टली नेगेटिव इनकम और स्टैंडर्ड लिविंग भी हो सकता है ना इनकम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज पॉजिटिव Police force will decrease the crime. Ma'am. But ऐसा है नहीं actually. चलो बताओ और हाँ बोलो. Ma'am exercise और weight ज़्यादा exercise करेंगे तो weight loss होगा. वाह. सब अपने अपने field का example बोलते हैं. चलो ठीक है. और प्रत्येक. Ma'am increase in height and decrease in temperature. हाइट इनका ये एग्जांपल मैंने सुना था कल चलो ठीक है और कुछ कुछ रियल लाइफ से दिखाओ नेगेटिव टॉपिक के आराम से बोलो एग्जांपल सोचो सोचने के लिए कहा है आपके आसपास इतना कुछ हो रहा होता है मैंने आज ही एग्जांपल दे दिया आपके लाइफ स्टाइल मैम डिक्रीज इन इनकम एंड मतलब डिक्रीज इन अगर इनकम घटती है तो नेक्स्ट वीक एक्सपेंडिचर ज्यादा तो उसके बाद लग्जरी गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी हाँ तो परचेजिंग पावर इसको बोलो ज्यादा बेटर है परचेजिंग पावर डिक्रीज इन परचेजिंग पावर जो कि अभी जस्ट मैंने ये एग्जांपल मैंने ही दे दिया था मैम हाँ बोलो दो टाइम का खाना खा लेंगे एक टाइम का खाना बचाएंगे पैसे का बचत हो रहा है पैसे की बचत तैयार नहीं हो रही है यहाँ पे जुगाड़ करके एग्जांपल लाया जा रहा है अभिषेक फास्ट फूड और हेल्थ फास्ट फूड एंड हेल्थ यस इट इज गोइंग टू अफेक्ट एडवर्सली सो होगा यहाँ पे नेगेटिव कोरिलेशन बट दैट इज अ गुड एग्जांपल और कुछ उपहार सुमन रोल नंबर 18 तुमने अभी तक कोई भी एग्जांपल नहीं दिया
ना रिलेवेंट ना इरिलेवेंट, मैंने जीरो कोरिलेशन का भी एग्जांपल पूछा था आप लोगों से। इसलिए के एग्जांपल पे कमेंट करने से इसको फुर्सत मिलेगा तब ना। हां बस कर बोले युवराज तुम ही दे दो उसका एग्जांपल। मेरे ही बताई एग्जांपल तो युवराज बोल देता है। हां युवराज सबका एग्जांपल देगा। प्रिया शान एग्जांपल देने दो उसको। चलो भार बताओ एग्जांपल दो पहले तुम उसका, उसका आंसर मैं यहाँ पे क्लास ली होने के बाद बताते रहना क्या बताना है उसको। अभी मुझे ये बताओ कि एग्जांपल क्या है नेगेटिव कोरिलेशन का। अच्छा एग्जांपल बताओ जैसा अभिषेक ने बताया, जो आप सोशल लाइफ में देखते हैं ऑब्जर्व करते हैं फील करते हैं मुझे वो बताइए। राइडिंग राइडिंग इफेक्ट हेल्थ Riding affect health and how it affect मतलब means हमेशा गाड़ी से आते रहेंगे फिर चलने का आदत छूट जाए। तो यहाँ पे factors variable को define करो तुम कि कौन-कौन से variable की बात कर रहे हैं। Riding habit की बात कर रहे हैं। Riding habit habit okay riding habit and उसे वो हो जाएगा चलने वगैरह का habit खत्म हो जाएगा। मैं walking habit रहे walking habit खत्म हो जाएगा। जितना ज्यादा लिखते हैं उतना ज्यादा जल्दी हमारा पेन का रिफिल खत्म होता है। तो पॉजिटिव कोरिलेशन वाला लिया। मैम पेन का रिफिल घट रहा है ना, पेपर्स तो लिखे जा रहे हैं लिखते लिखते चले जा रहे हैं पेन का रिफिल तो खत्म हो रहा है। तो खत्म हो रहा है दैट इज अ पॉजिटिव थिंग, नहीं रिमेनिंग है ये नेगेटिव थिंग हुआ। पॉजिटिव कैसे हुआ मैम, जितना हम वर्क कर रहे हैं पेन के साथ उतना उसका रिपिल कम हो रहा है, ये नेगेटिव ना होना चाहिए। तो तुम लोग वेरिएबल को जो डिफाइन कर रहे हो ध्यान से समझो क्या टर्म है। आप ये काम कर रहे हैं तो वैल्यूज डिक्रीमेंट हो रहा है और डिक्रीमेंट फास्ट हो रहा है। रिमेनिंग रिफिल जो है वो कम है ये बोला जा सकता है, तो ये नेगेटिव यहाँ दिख रहा है। जितना आप लिख रहे हो उतना ज्यादा वो भी खत्म हो रहा है, तो खत्म हो रहा है तो क्या रिमेनिंग टर्म के फॉर्म में डिफाइन करोगे ना उसको। दो चीज समझना है, एक वही वाली बात हो गई ग्लास आधा खाली है और एक आधा ग्लास भरा हुआ है। अब आप बोल क्या रहे हैं उसको, हाफ ग्लास फिल और हाफ ग्लास एम्प्टी। ठीक है, तो जब आप हाफ ग्लास फुल बोल रहे हैं तो आप उसके टर्म में डिफाइन कर रहे हैं, तो उसी चीज को पॉजिटिव में डिफाइन कर सकते हैं। और एम्प्टी वाला केस बोल रहे हैं तो उसी चीज को नेगेटिव में डिफाइन कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे वेरिएबल का मीनिंग कैसे कर रहे हैं दैट इज आल्सो गोइंग टू अफेक्ट द वेरिएबल्स। ठीक है समझ में आया मैम, और एक एग्जांपल दें। हाँ बोलो मैम, विंटर का मौसम में मैम एसी का प्राइस घट जाता है और समर का मौसम में मैम एसी का प्राइस बढ़ जाता है। बोल सकते हैं। तो यहाँ पे विंटर से जब आप कनेक्ट करेंगे देन दैट इज नेगेटिव कोरिलेशन, और जब उसको समर से रिलेट करेंगे देन दैट इज पॉजिटिव कोरिलेशन। यही चीज समझना है। ठीक है, लेकिन अगर आप सीजन वर्ड बोल देते हैं तो यहाँ पे अप और डाउन दोनों हो सकता है। अगर विंटर और समर स्पेसिफाई नहीं करो, अभिषेक आप म्यूट करो आपका ना माइक वो जो है हेडफोन कुछ अजीब सा आवाज कर रहा है। यहाँ पे आप सीजन वर्ड अगर इस्तेमाल कर देते हैं विदाउट मेंशनिंग विंटर और समर तो क्या हो जाएगा, कुछ में पॉजिटिव रिलेशन आ जाएंगे कुछ में नेगेटिव आएगा। जैसे विंटर में आपको पता है समर का पता है, यहाँ पे जब आप सीजन का वर्ड बोल दिए तो देयर मे बी पॉजिटिव रिलेशन देयर मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ रिलेशन आ जाएगा यहाँ पे। बट अगर आपने किसी पर्टिकुलर सीजन को स्पेसिफाई कर दिया देन दैट मे बी आइदर पॉजिटिव नेगेटिव और देयर इज नो कोरिलेशन। मैम हाँ बोलो, स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में टाइम एज्यूम होता है तो स्मार्ट वर्क में कम होता है हार्ड वर्क में ज्यादा होता है। यस तो ये भी तो नेगेटिव हो गया। हार्ड वर्क एंड तो यहाँ पे आप ये चूज करो कि आप वेरिएबल क्या लिया है, हार्ड वर्क एंड टाइम और स्मार्ट वर्क एंड टाइम। आप इस तरह से कोरिलेट करेंगे, हार्ड वर्क का रिलेशन निकाल रहे हैं विद टाइम एंड स्मार्ट वर्क का रिलेशन निकाल रहे हैं कोरिलेशन विद टाइम, बट स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क का आपस में कोरिलेशन नहीं निकाल रहे। समझ रहे हैं ना इस चीज को, समझ रहे हो। हार्ड वर्क इज रिलेटेड विद टाइम एंड स्मार्ट वर्क इज ऑल्सो रिलेटेड विद टाइम। So time is a common factor which is related with hard work as well as a smart work. ठीक है, लेकिन hard work और
स्मार्ट वर्क आपस में कोरिलेटेड अगर कहोगे तो यहाँ पे इनवर्स कोरिलेशन बोल सकते हो तुम, ठीक है, दोनों अलग वे में एक्ट करता है, हालांकि इसको स्टडी करना पड़ेगा तब बताया जा सकता है एग्जैक्टली वो पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा या क्या होगा, बट यहाँ पे देखना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पे कोरिलेशन, अब ये चीज, एक चीज अभी इन सब के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो नोट करके रखो, आप कोरिलेशन और ये सब पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो कोरिलेशन का जो भी एग्जांपल्स आप मुझे दे रहे हैं वो एक्सपेक्टेड है, ऐसा होता है, आपने ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन ऐसा देखा है और जो जनरल लाइफ में देख रहे हैं उसके बेसिस पे हम ये बता रहे हैं, बट एक्चुअल डेटा जब आपको मिलेगा देन आप पहले कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला, देन आप बताएंगे whether they are positively correlated, whether they are negatively correlated or there is no correlation or what, ठीक है, आप on the basis of data उसे बताएंगे, आप यहाँ पे पहले से कोई assumption नहीं बनाएंगे वो positively correlated आएगा negatively आएगा, आपको अंदाजा नहीं लगाना है, in terms of data आपको calculate करके बताना है वो कोरिलेशन पॉजिटिव है नेगेटिव है क्या रिजल्ट आ रहा है, और उस पर लास्ट में कमेंट देना है, ठीक है। यहाँ पे जब आपको डेटा दिया जाएगा तो अपनी मर्जी से पहले से नहीं बताओगे कि पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा क्या आएगा, आप प्रिडिक्शन नहीं करना है, ठीक है। आप जो प्रिडिक्शन कर रहे हैं जो वेरिएबल्स का आपने जो नाम दिया है जो भी इतना कुछ हम लोगों ने डिस्कस किया सारे वेरिएबल्स को, वो एक जनरल टेंडेंसी जो हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, वो हमेशा वैलिड होगा, होता है मैक्सिमम केसेस में होता है और जनरल टर्म से जो हम लोग ऑब्जर्व करके देख रहे हैं, लेकिन हम उसको कभी भी वेरिएबल्स पे डेटा पे डायरेक्टली नहीं बताएंगे कि ऐसा ही होगा, ठीक है। आप कैलकुलेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डेटा, आपको बताना है वेदर दैट टू वेरिएबल्स आर कोरिलेटेड और नॉट, सो वहां पे आप कोरिलेशन निकालोगे, कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो आएगा उसके बेसिस पे आप बोलिएगा वेदर दे आर पॉजिटिवली कोरिलेटेड नेगेटिवली कोरिलेटेड और दे आर There is no correlation, ठीक है, समझ रहे हो इस चीज को, यहाँ पे कोई assumption पहले से नहीं होगा। तो मैम comment में क्या लिखना है? Positive correlated है तो बता देना आपको, they are positively correlated, so if it is increasing, so it will also increase, जो भी variable का नाम होगा उसमें comment में लिख दोगे, जैसे income increase कर रहा है तो suppose आप data आपके पास दिया हुआ है और income expenditure में positive correlation आ रहा है तो आप वहाँ पे बताएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर आर पॉजिटिवली कोरिलेटेड, सो एज इनकम इज इंक्रीज इन हाउस होल्ड देन एक्सपेंडिचर विल आल्सो इंक्रीज, सो कमेंट में लास्ट में लिख सकते हो, दैट्स इट, यही करना होता है, हमारा काम इतना ही है। मैम कोरिलेशन का ये एग्जांपल हो सकता है फोन और उसका डेटा, डेटा एंड फोन, फोन पे डेटा नहीं डिपेंड करेगा, फोन पे डेटा कैसे डिपेंड करेगा, अच्छा फोन छोटा वाला फोन है तो उसमें डेटा इस्तेमाल नहीं होगा ऐसे आप सोच रहे हो तो सोच सकते हो, ऐसे भी सोच सकते हो, तो उसमें डेटा का रिचार्ज ही क्यों कराएंगे जब हम डेटा इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, है ना, कर सकते हैं। तो ये सब डेटा जैसा दिया हुआ होगा डेटा के बेसिस पे आप पर्चे में चेक कर, ठीक है, कमेंट में देना है क्योंकि मैंने क्या कहा देर आर मेनी पर्सन्स वो आर वेरी इलिटरेट, काइंड ऑफ इलिटरेट आप बोल सकते हैं जिनको मैथमेटिकल टर्म समझ में नहीं आता, देन आपने जो लास्ट कमेंट में लिखोगे ना वही उसको समझ में आएगा, समझ रहे हो, आप पूरा डेटा का एनालिसिस करेगा मैम उसको तो आता होगा ना, हाँ तो पेपर चेक करेगा उसको तो आता ही है क्योंकि वो पढ़ाता ही है, तो मैम उसमें उसके एग्जाम में लिखना जरूरी है, लेकिन एग्जाम में लिखना जरूरी है, लेकिन मैं ये एप्लीकेशन बेस्ड की बात कर रहा हूँ, जब आप जॉब कर रहे होंगे तो आपको लास्ट में कमेंट लिखना है क्योंकि हो सकता है आपके जो ऑनर हो जो एम्प्लॉयर हो उनको मैथ नहीं पता हो, उसका कोरिलेशन का मतलब ही ना पता हो, उस कोरिलेशन के मैथमेटिकल वैल्यू का मतलब पता ना हो, तो आपको लास्ट में जो कमेंट लिखोगे दैट विल वर्क एज कीवर्ड, वही उनके लिए इम्पोर्टेंट लाइन होगा, वही उनके लिए डिसीजन होगा और उसी के बेसिस पे वो जो भी फर्दर डिसीजन लेंगे वो उसी के बेसिस पे, इसलिए जो लोग मैथमेटिकली साउंड नहीं होते उनके लिए वही कमेंट वाला जो लाइन होता है ना वही इम्पोर्टेंट होता है, तो इसलिए जरूरी है, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिपीटेड रैंक करेंगे मैम, हाँ बोलो,
मैम उस दिन आप बताए थे फर्स्ट वाले क्लास में ही कोरिलेशन का अनदर फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग वैल्यू जो दिए थे मैम, आप बताए थे जो कुछ कुछ ये सम होती है जो पूरे मॉडरेट लेवल पे होते हैं, बहुत कठिन होते हैं, तो उनको इस पे सॉल्व किया जा सकता है इजी वे में, इजी टू सॉल्व। तो मैम इनके क्वेश्चन करवा देते ना तो ये ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। मैम मैम इस वाले पे कहाँ करवाए थे अनदर अनदर फॉर्मूला for calculating kya calculating variance yeah mam theek hai bata denge variance to kahin ka kuch piche chhod gaya lekin theek hai kara denge okay abhi repeated variance nahi padhna variance ka form karke dekhna hai to fir wo next class mein wahi bata denge koi baat nahi okay wo padh lo fir repeated variance kar lena koi baat nahi theek hai mam ha bole mam correlation ka pdf nahi send kijiye group mein कोरिलेशन का ऑफलाइन क्लास नहीं की थी ऑफलाइन में ही सब लिखवा दिया था मैंने तो अच्छा ठीक है दे देंगे चलो ठीक ओके थैंक यू मैम थैंक यू मैम थैंक यू मैम